हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज कल हम सभी लोग 2024 में होने वाली जो परीक्षा है, जिसकी डेट आप सभी को पता भी चल चुकी है, उसी के क्रम में हम आपको आज का जो लेक्चर लेकर आए हैं वो लेक्चर क्लास 10th का है। और क्लास 10th का एक लेक्चर हमने प्रोवाइड किया था आपको आईयूपीएसी का, जिसमें आपको ये दिया गया था कि कोई कंपाउंड दिया जाता था, जैसे सपोज दैट CH3CHO, और इसका आईयूपीएसी बनाने को कहा गया। अब हमने क्या किया, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, जैसे एक कंपाउंड दिया प्रोपेनॉन और कहा कि इसका संरचना बनाइए। एक लेक्चर आपने देखा अभी तक, फर्स्ट लेक्चर है, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे यदि आपने नहीं देखा हो। और ये लेक्चर सेकंड है, जो आपके सेकंड आईपीसी का लेक्चर है। इसमें हम आपको यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना सिखाएंगे, सभी यौगिकों के संरचना सूत्र। मैंने उस बार भी यही बात कहा था, आज फिर वही बात कहता हूं, यदि आप इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लें तो ये समझ लीजिए 99.9% से भी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100% यहीं से आईपीएससी आपके इतने ही आएंगे 10th लेवल में। 10 की कक्षा में जो भी आईपीएससी आपके बनते हैं वो यही दो लेक्चर आप देख लीजिए और कंप्लीट आईपीएससी पकड़ के रखिए। इस बात को आप ध्यान देना, सेकेंड लेक्चर दे रहा हूं मैं आपको, इसके पहले लेक्चर पढ़ा भी चुका हूं, और हो सकेगा तो मैं इन दोनों लेक्चरों को आपके साथ इकट्ठा अपलोड करके दे दूंगा। ठीक, तो चलिए प्रयास करते हैं हम पहले पॉइंट पर। तो जैसे बच्चों आप देख भी रहे होंगे कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए, यौगिकों की हमें क्या बनाना, संरचना सूत्र। तो चले यदि हम तो देखें, सबसे पहले एथेन ओएक अम्ल, कभी भी किसी यौगिक का यदि संरचना सूत्र बनाना हो, नाम लिखा हो, तो आपको ज्यादा परेशान होने केवल ये देखना है कि वह नाम कितने कार्बन से मिलकर बना होगा, कि उसमें मैथ है तो एक कार्बन, एथ है तो दो कार्बन, प्रोप है तो तीन कार्बन होगा, और ब्यूट है तो चार कार्बन, पेंट है तो पांच कार्बन, छह हुआ तो हेक्स होगा, अर्थात सिक्स कार्बन होगा। यहां पर लिखा हुआ है एथ ओ एक अम्ल। आप देखिए एथ का मतलब ये ध्यान देना, टू कार्बन्स की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना, टू कार्बन्स लिख लेंगे तुरंत, ये लिख लिया मैं टू कार्बन्स। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन की चार वैलेंसी होती हैं आप ये जानते हैं, इस प्रकार हमने लिख लिया, ये हो गया एथ। एथ में आप देखिए एथ इन मतलब, फिर ओएक एक तोड़ के लिखिए एथ एन ओएक अम्ल, मतलब एथ तो है लेकिन उसमें क्या है, एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओएक का मतलब होता है COOH समूह, तो सी तो है ही, डबल ओ एच लगा दिया, देखो डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अब यहां लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कहलाएगा आपका एथेन ओएक अम्ल। बात समझ में आई होगी। ठीक, तो एथेनॉल कैसे बनना है वो आपके सामने है। वो अब बार बार तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सी डबल ओ एच समूह है तो एक बार और सी और फिर सी लगा दे तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। एथ का मतलब दो कार्बन, केवल दो कार्बन लिए हमने। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, आइए ये भी क्वेश्चन आप देखते हैं, 2011 18 और 20 इन दो इयर्स आपका आया है। अब अगला क्वेश्चन है मैथिल, फिर लिखा है एसिटिलीन, मैथिल और लिखा है एसिटिलीन, मतलब ये क्वेश्चन देखिए आप 2011 और 19 इन दो वर्षों में ही पूछा गया। तो सबसे पहले आप जानते हैं मैथिल, मैथिल का मतलब होता है आप जानते हैं CH3,
और आपकी बात कर दें एसेटिलीन, एसेटिलीन का मतलब होता है C2H2, इन दोनों को मिला के हमारा कंपाउंड बनेगा, मेथिल का मतलब CH3 और एसेटिलीन का मतलब है C2H2, तो मेथिल एसेटिलीन, इन दोनों के हिसाब से आपका कंपाउंड बनेगा। तो देखिए पहले तो मेथिल उठाया, तो भैया मेथिल ले लिया, तो देखो सी, इधर एच लगाया, इधर भी एच लगाया और इधर एच, क्यों? क्योंकि मेथिल का मतलब CH3, अब सिंगल बॉन्ड। अब एसेटिलीन, एसेटिलीन मतलब दो कार्बन, ये लगा दिया और ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ 1 2 3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड एच, देखिए 1 2 3 और 4 हो गया ना, हो गया। तो इसे बोलेंगे हम मेथिल और लिख दिया हमने एसेटिलीन, तो दो टाइप ये पूरा कंपाउंड बन गया। इस प्रकार आपको इस संरचना सूत्र बनाना है, थोड़ा हार्ड होगा बट एक बार दो बार प्रैक्टिस होगी तो कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखें आपके सामने, तो देखिए अब लिखा है यहां पर मैथेनल, मैथेनल का मतलब होता है, देखिए अब क्या लगा, मैथ फिर एन और फिर अल, मैथ एन अल, तो हो गया मैथेनल। तो देखो मैथ का मतलब केवल एक कार्बन, केवल एक कार्बन, मैथ का मतलब ही होता है केवल एक कार्बन, मकानी मैथ कहे तो एक, एथ कहे तो दो, प्रोप कहे तो तीन, ब्यूट कहे तो चार, मैथ का मतलब एक कार्बन। फिर लिखा है अल, मैथ में क्या लगाएंगे, एन, एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा, और मैथ में एन सो मैथिन, और लिखा है अल, अल का मतलब हो गया CHO ग्रुप। अब हम इसमें CHO नहीं लगा, तो कोई सोचे CHO लगा दे, चल देखो लगा के दे रहा हूं, कोई सोचे जो मैथ का मतलब एक कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और बोले सी अल लगा है इसका मतलब CHO, देखो CHO लगा दिया, तो देखो कितने कार्बन हो गए, टोटल संख्या में 2 हो गए, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, इस प्रकार ये गलत होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन की काउंटिंग होती है, ठीक, तो मैथ का मतलब एक कार्बन लिख लिया हमने, और लिखा फिर एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये लिखिए हमने सिंगल बॉन्ड। फिर उन्होंने कहा एन मैथ में एन, तो मैथ में एन हो गया सिंगल बॉन्ड। फिर लिखा ओनली लड्डू, लड्डू मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO, तब ही होगा मैथेनल, और नल होने का मतलब देखो कार्बन तो है, केवल एच लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एच लगाइए आप, यहाँ भी एच लगाइए, और क्या होना है इधर इसकी 2 1 2 3 एक एच लगा दीजिए, तो क्या होगा ऑक्सीजन बची तो यहाँ लगा दीजिए, अब क्या करने के CHO, देखिए इस प्रकार जान लीजिए HCHO, तो यहाँ से क्या कहें इस बॉन्ड को यहाँ से लगा दिया हमने ऑक्सीजन, और ये बॉन्डिंग हटाई यहाँ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिए, तो हो गया आपकी मेथेनल, ठीक। अब भी देखते हैं भी 2011, 2019, 2020 और 2023 के अंतराल में आपका कंटिन्यू आया है, 2023 में ही आपके महोबा जिला के पेपर में नहीं आया, बट जैसे EJ हुआ आपका पेपर, EJ EK ER इस पार्ट में डिवाइड होता है, उस किसी न किसी रिलेशन में ये आया ही आया है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसको आप ध्यान भी रखना है। मेथिनल का संरचना सूत्र क्या होता है, दोबारा लिख दे रहा हूँ, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H मेथिनल, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा लिख लीजिए, यहाँ नहीं है कुछ ऑप्शन है। आइए अगला क्या देखते हैं आप, अगले आप देख रहे हैं मैथेनोइक अम्ल, मतलब 2013 में क्वेश्चन आया ये, तो पहले पकड़िए मैथ, मैथ का मतलब सी, फिर लिखा एन, फिर लिखा ओ एक, ओ एक का मतलब ये आपको बताया, ओ एक का मतलब होता है C=OH, तो भैया सी तो है ही, सी तो है ही, क्या चाहिए, डबल ओ एच ले लीजिए, लीजिए डबल बॉन्ड ओ, डबल सिंगल बॉन्ड ओ एच, एक बैलेंस बची जो लगा दी, लो हो गया मैथेनोइक अम्ल, सी तो है ही, एक ही कार्बन होगा, अगर आप ले लेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एथेनल जो 2012 और 19 में आया है, तो एथेनल का यहां क्या लिखा, एथ, एथ का मतलब दो कार्बन, एक और दो, और लिखा इन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब लिखा है अल, अल का मतलब CHO, तो सी तो है ही, क्या चाहिए HO, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच और यहाँ एच, ये बन गया एथेनल, मतलब जो कार्बन की फ्री बैलेंसी हो तो आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, जिससे बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
अब आप देख लीजिए अगला, ब्यूट टू इन, ब्यूट का मतलब फोर्थ कार्बन। तो देखिए एक दो तीन चार, इतना जान देना, थोड़ा यहाँ पर आपको समझ में थोड़ी तकलीफ हो रही है यदि आपने बिल्कुल भी प्रयास ना किया हो अपने अपने कॉलेजों में, क्लासों में या अपने ट्यूशन वगैरह में, तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन फिर भी यदि आप एक दो बार कंटिन्यू देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यदि है तो उसी में आप पूरा फंक्शनल ग्रुप क्लियर करके रखेंगे, इस बात को आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा ब्यूट और फिर लिखा टू इन, ब्यूट फिर टू इन, देखो इन आया, अभी लिखा इन, इसका मतलब है केवल सिंगल बॉन्ड, लिखा लिखा इन इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, लिखा इन इसका मतलब डबल बॉन्ड, और लिखा आयन इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इस बात को आप अच्छे जानते हैं, देखिए तो ब्यूट टू इन मतलब चाहे यहां से कहीं वन टू चाहे वन टू, बीच में यहां लगा डबल बॉन्ड टू इन। अब बस सभी में आप बैलेंस ही कर दीजिए, एच एच सभी में लगाइए आप, एच हाइड्रोजन की बैलेंस पूरी कर दीजिए। देखो इसकी बैलेंस भी पूरी है, एक दो यहां करती है एच, एक दो तीन चार यहां कर दीजिए एच, एक तीन चार, चाहे यहां से कहीं वन टू टू इन ब्यूट टू इन। बात समझे, ये भी आपका आया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है आपके, ये सभी क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं वो किसी न किसी वर्ष आपके आ ही हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखना और जितना हो सके आप समझ में आए तो दूसरों को भी समझाने की कोशिश करना, निश्चित समझ लिए ये क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में होने वाली परीक्षा में निश्चित ही आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम आपको बताए दे रहे हैं, जो चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं उसको अनसब्सक्राइब भी कर देना, आदि इतना भी हो आपको यदि विश्वास ना हो, ठीक है। जिस चैनल को आप प्रचार करेंगे उस चैनल को आप दुष्प्रचार भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यदि नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये करेंगे आएंगे ही आएंगे, इनमें से एक निश्चित इस टाइप का, इसका नहीं तो इस टाइप का कुछ निश्चित आएगा। मैथिन नाइट्राइल, पहले तो लिख भैया मैथिन तो लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए मैथिन, मैथिन का मतलब एक एच 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 जी मैथिल हो गया सिंगल बॉन्ड। नाइट्राइल का मतलब वो सी एन ग्रुप, नाइट्रो का मतलब क्या सी एन, तो भैया लगाइए सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये कहलाता है मैथिन नाइट्राइल। CN को ही बोला जाता है नाइट्राइल, साइनाइड बोलते हैं ना, और नाइट्राइल अनुलग्न उसका हो गया, ठीक। आइए अगला, 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब पहले पर तीसरे पर ब्यूट तो है लेकिन डाइन है, मतलब पहले पकड़ो ब्यूट, ब्यूट का मतलब एक दो तीन चार, फोर्थ कार्बन ही है, ब्यूट का मतलब फोर्थ कार्बन, तो ब्यूट हो गया। सभी में पहले आप सिंगल बैलेंस ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दीजिए, आप देते चले जाइए, अभी बाकी शुरुआत दे दिया। अब 1,3 पहले पर 1 और 2, तो पहला 1 हो गया, दोबारा बनाने का प्रयास करें, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, देखो इसको अलग करते, ठीक कुछ नहीं करना आपको, एक दो तीन चार, तो देखो 1,3 मतलब यहां से करना, तो एक एक जो हो गया आपका जो 2 हो गया 3 हो गया, तो पहले पे और तीसरे पे, पहले पे मतलब ये देखो कल को डाइन, डाइन का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब डाई का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और साथ में लिखा इन तो मतलब दो जगह डबल बॉन्ड, मतलब एक 1 पे डबल और एक जो होगा दूसरो जो होगा और तीसरो जो होगा, इधर से कहें तो 1 इधर कहें 2 इधर कहें 3 ब्यूट, ठीक है 1,3 हो गया। अब बैलेंस कर दो रिएक्शन को खत्म कर, एक दो इस चाहिए, दो चाहिए तो दो हाइड्रोजन, एक दो तीन इसको एक चाहिए तो एक लगा दिया, इसको एक दो तीन एक लगा दिया, इसको एक दो ये दो लगा दीजिए, वो बन गया ब्यूटाडाइन। थोड़ा गौर से आप समझने का प्रयास कीजिए, पूरा मक्खन होगा आपका, बताइए कोई दिक्कत है समस्या, तो हमने को पहले भी कहा था कुछ संरचना सूत्र भी आपके आ सकते हैं, वही आपको कराने का प्रयास में, ठीक है कोई दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन्हीं में से आएंगे, यदि आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो पेपर में आपको बन जाएगा। यहाँ देखिए ब्यूट ए नॉन टू, ब्यूट मतलब चार, देखो एक दो तीन चार ब्यूट हो गया, फिर लिखा ब्यूट में एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, लो ए सब में सिंगल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे पीछे तो लगा ही दीजिए, बाकी थोड़ा बैलेंस के साथ देखते हैं। ब्यूट में लगाया एन तो ब्यूटेन,
फिर लिखा ऑन, भाई ये इतना ऑन है, ऑन मतलब कहलाता है सीओ ग्रुप, ऑन क्या कहलाता है सीओ ग्रुप, तो भैया सी तो है ही, ओ लगा दीजिए, सी तो है ही, ओ लगा दीजिए, जो लेगा ओ कितने पे दूसरे पे, तो वन टू जगह लगा, चलो तो लगा दे लो डबल बॉन्ड, अब बैलेंस कर दीजिए, एक दो तीन चार, बन गया ब्यूटेन ऑन टू, 15, 17 और 23 लगातार ही कंटिन्यू आपका क्वेश्चन आया है, इस बात को ध्यान देना आप, समझ बात नहीं आ रही, लगातार क्वेश्चन आपका आया है ब्यूटेन ऑन टू और आपका बिल्कुल सिंपल है, बताइए आप खुद समझने का प्रयास कीजिए, ना मजा आ रहा हो तो बता दीजिए आप, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, बस आपको ध्यान देना है कि समझ में आने आ रहे, आपको एक दो बार रिवाइज करनी होगी वीडियो को, बाकी मक्खन हो जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह का कार्ब, अगर क्रिया समूह है तो उसका फिर कार्बन ही लिखेंगे, बाकी उसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन वो लिखेंगे, ठीक है। आज देखो प्रोपेन ऑल टू, प्रोप का मतलब तीन, एक दो तीन, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड इन तो लगाया एक सिंगल सिंगल, सभी में लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे तो आप आराम से लगा दीजिए, बाकी थोड़ा रिलैक्स होकर लगा दें, प्रोप में इन, अब लिखा क्या ऑल, ऑल का मतलब ओ एच, फंक्शनल ग्रुप आपके लिखवाए हैं अच्छे से पढ़ लीजिए उनको, प्रोप में इन तो प्रोपे नॉल, लिख कहां पर टू से पर एक दो, एक दो कहीं लगा, यहां लगा दें, लिखा दे ओ एच, बाकी हाइड्रो लगा दीजिए, क्रियात्मक समूह का पर कार्बन नहीं लगाते, बाकी जो कुछ है लगा दीजिए, ऑल का मतलब ओएच, अल का मतलब सी एच, ऑल का मतलब ओएच, अल का मतलब सी एच, ठीक, क्लियर हो गया, एक कंप्लीट हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा, अगर आप नहीं देखते होंगे सही से ना तो धंधना बहुत पछताओगे बाद में, यानी कहा टू हाइड्रोक्सी, टू हाइड्रोक्सी मतलब दूसरे पर ओएच, टू हाइड्रोक्सी मतलब दूसरे पर ओएच, टू हाइड्रोक्सी मतलब टू हाइड्रोक्सी मतलब ओएच, मतलब दूसरे पर ओएच है, लेकिन कब प्रोपेन मतलब तीन, देखो एक दो तीन, प्रोप में इन लगा दिया, और फिर लिखा ओ एक मतलब देखो कुछ नहीं, ओ एच मतलब सी डबल ओ एच ही कहलाता है आपका ओ एक, जिसे बोलते कार्बोक्सी, टू हाइड्रोक्सी मतलब एक कार्बन दो, इधर लगा दो ओ एच, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक दो तीन इधर और लगा दिया हाइड्रोजन, ये आपका बहुत इंपोर्टेंट, 15, 18 और 19 समझ में आता नहीं, इससे अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें अच्छे से लिख लें, समझ आने, बोलो राधे राधे, ठीक है, आइए पेंटी नॉन थ्री, पेंट का मतलब पांच, देखो एक दो तीन चार पांच, पेंट फिर लिखा इन सिंगल पेंटिन, पेंटेन हो गया, फिर लिखा नॉन, नॉन मतलब ऑन, ऑन मतलब सीओ ग्रुप, फिर क्रिया समूह सीओ, और सीओ का तो सी तो है ही, ओ चाहिए, ओ कब कितना पर 32वें पर, और इसके पहले कितने पर था देखो दूसरे पर, तो दूसरे पर लगाया था, अब सी कितने नंबर पर है तीसरे पर, तो तीसरा तो सी तो है ही, ओ नहीं है तो लगा दे एक दो तीन, एक दो तीन लगा दिए, एच एच एच, इधर देखिए हो गया, तो पेंटेन ऑन थ्री हो गया कंप्लीट, क्लियर है, तो ये आपका काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, आप देख भी रहे होंगे, 12वां नंबर का क्वेश्चन है, 12 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बताइए कोई समस्या हो तो, मैं बार बार कह रहा हूं फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो तो उस कार्बन को आप पहले ही लिखे रहते समझ लीजिए, केवल वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो केवल उसको ऐड करिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लीजिए आप, फिर बाकी अपन यहां पर कंप्लीट करके समझ लीजिए, कंप्लीट हो गया आपका, अगला क्वेश्चन है पेंटेनल, पेंटेनल पेंट का मतलब पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पहले का इन, इन का मतलब सिंगल 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 सिंगल, ठीक, पेंटेन हो गया, अब लिखा ला, ओनली ला लट्टू हो तो सी एच ओ, तो सी तो पहले ही लगा है, एच ओ लगा दीजिए कुछ नहीं, डबल बॉन्ड ओ, लो एच, बैलेंस ही पूरी हो गई,
जिसकी बैलेंस ही पूरी नहीं है एच लगा दीजिए, जिसकी बैलेंस ही पूरी नहीं है एच लगा दीजिए, जिसकी बैलेंस ही पूरी ना हो हाइड्रोजन लगा दीजिए, कंप्लीट हो गया। पेंटेनल देखो 2020 में भी आया, 23 में आया। इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस प्रकार के अवश्य आएंगे क्वेश्चन, इस बात देखना, मतलब पॉइंट यहीं से बनेगा, यहीं से क्वेश्चन बनने का प्रयास होगा, आगे देखना। फिर लिखा प्रोपाइन, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, 1 2 3। फिर लिखा क्या प्रोप, ना तो यहां एन कह रहा है, ना यहां इन कह रहा है, ना यहां केवल यहां कह रहा है आयन, तो प्रोप में आयन, आयन का मतलब लेकिन कितने, किसी नंबर पर कहीं लगा दिए, 1 2 3। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इनका मतलब डबल बॉन्ड, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन, एच लगा दिया। अब देखो बाकी सब में एच लगा दीजिए, बैलेंस कर दीजिए रिएक्शन को, 1 2 3 4 पूरा कंप्लीट, ये प्रोपाइन हो गया। चले आगे, अब आइए प्रोपीन, और प्रोपीन के बाद लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए बचा है, दो कंपाउंड आपके बचे हैं इनको संभाल लीजिए। ये 2023 के ई के पेपर में आपके आया है प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 1 2 3 प्रोप, और लिखा इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड लो, और देखो आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रोप में इन लगाएगा, प्रोपीन डबल बॉन्ड। अब बैलेंस कर दो रिएक्शन को, जितना बैलेंस कर सको कर सको, तीनों पूरे बैलेंस हो गए, 1 2 3 एक बची, यहाँ कितनी बची 2 3, इन्हें करेंगे फिर, तो मतलब बैलेंस के हिसाब से हाइड्रोजन लगाते हैं तो लग गया। आगे देखो क्वेश्चन कहता है 2-मैथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2-मैथिल मतलब दूसरे पर मैथिल, मैथिल मतलब CH3, पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5। फिर लिखा इन, लिखा देखो ओ एक दिख रहा हो, ओ एक मतलब सी डबल ओ, तो सी तो है ही, डबल ओ चाहिए, लिखो ओ ओ एच, देखो बाकी बैलेंस क्या चले जा रहा को, एच 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 एच, हो गया, ये हो गया 2-मैथिल पेंटेनोइक। लेकिन अरे भाई ये तो ओनली पेंटेनोइक अम्ल बना, वहां पर 2-मैथिल तो आए नहीं, तो कहीं 1 2 यहाँ पर मैथिल लगा दिए, लो CH3, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 2-मैथिल का मतलब है दूसरे पर मैथिल, तो 1 2 यहीं से क्यों गिनेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ है ना, तो यहीं से 2 यही नंबर, ये निकल आएगा कि 1 2, यहाँ से 1 2 करोगे ना, 1 2 2 मैथिल, बताइए समझ में आया। तो ये आपके थे आईपीसी नियम, और ये आईपीसी नियम आपको मैं दोबारा कहता हूँ, इसको मैं आपको बोले बता रहा हूँ, इन्हें समझ लीजिए, आना ही आना है आपका, और इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है, सेकेंड लेक्चर आपको दिया है, इनमें से ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको आगे चलना है। वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके उसको शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, इस बात को आप ध्यान देना। हरे कृष्ण।